गाजियाबाद में स्वच्छ भारत अभियान की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए 3 छात्रों ने सबसे बड़ा इको फ्रेंडली बैग तैयार किया है। इससे मैसेज देने की कोशिश की गई है कि पॉलीथीन का इस्तेमाल न करते हुए इको फ्रेंडली बैग का ही इस्तेमाल किया जाए। बुधवार को इस बैग को जब एक मैदान पर खोला गया तो मैदान लगभग कम पड़ गया क्योंकि बैग काफी बड़ा था। गाजियाबाद में वैशाली इलाके में बुधवार को अलग ही नजारा था। यहाँ पर एक ग्राउंड में एक बड़ा सा बैग रखा हुआ था। ये बैग 300 फीट चौड़ा और 140 फीट लंबा था। इस बैग को 3 छात्रों ने बनाया है। उनके नाम है राधे, खुशी और वैष्णवी। 2 छात्र स्कूल में पढ़ते हैं, जबकि वैष्णवी दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं। इन छात्रों का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस बैग को वे समर्पित करना चाहते हैं। बैग की डिटेल्स गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेज दी गई थी, जहां से इन्हें रिकॉर्ड से संबंधित सर्टिफिकेट भी हासिल हो चुके हैं। पहली बार इस बैग का डिस्प्ले किया गया है। पूरे मैदान पर ये बैग इस तरह से फैला था मानो कोई टेंट रखा हो। ये इको फ्रेंडली बैग है। इसे बनाने में करीब 7.5 लाख की लागत आई है। कुछ महीनों की मेहनत के बाद ये तैयार हो गया। इसमें 300 के करीब कारीगर लगाए गए थे, लेकिन आइडिया 3 छात्रों का था। इसे विश्व का सबसे बड़ा इको फ्रेंडली शॉपिंग बैग माना जा रहा है, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने के बाद छात्राएं बता रही हैं। कुछ संस्थाओं और निजी लोगों की मदद से इस बैग को छात्र छात्राओं ने तैयार किया है। छात्र छात्राओं ने सपनों की एक उड़ान भरी है, जिससे एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। पॉलीथीन का इस्तेमाल कम से कम हो और स्वच्छ भारत मिशन की तरफ एक और कदम बढ़ाया जाए। ये बैग देश के प्रधानमंत्री को 15 अगस्त को समर्पित किया जाएगा। फिलहाल देखना तो ये होगा कि प्रधानमंत्री की तरफ से इस मामले पर क्या जवाब आता है। गाजियाबाद से न्यूज के लिए बंटी जैन की रिपोर्ट।